आज का जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के बारे में। हालांकि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और दूसरे स्थान पे आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा क्या है, महाराष्ट्र है। चौथा हमारा उत्तर प्रदेश है। तो खैर आज हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, तो स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। बने रहिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और जो भी इस चैनल पर नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो पहले से कर रखे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं ना, लेकिन बढ़ने के साथ साथ इसमें ये देखा जा रहा है जितने भी लोग बीमार पड़ रहे हैं उसमें 98% लोग ठीक हो रहे हैं, बल्कि उसमें से 2% ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो रही है। 2% भी मृत्यु दर नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीमारी से जो डर जा रहे हैं, जिनके अंतः पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, उनको कोरोना के नाम से है ना। एक्चुअल में होता क्या है, इंसान का जब चेकअप होता है तो अगर उसे पता चल गया कि वो कोरोना पॉजिटिव है तो वो इंसान क्या आधा ही वैसे ही मर जाता है, उसके अंदर की आधा एनर्जी वैसे ख़त्म हो जाती है सोच के कि ओ माय गॉड अब मुझे हो गया कोरोना अब क्या होगा, है ना। तो डरने वाली बात नहीं है, आपको क्या करना बेसिकली अगर हो भी जाता है तो हिम्मत बना के रखना है कि हमें इसको हराना है, इस कोरोना को हराना है और फिर से वापस ज़िंदगी में हमें जीना है ना। तो इस प्रकार की नीति बना के चलना होगा और बेहतर ये है कि आप कोरोना वाले माहौल से दूरी रहें, अपने घरों में रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं, वही बेहतर होगा, है ना। तो इन सब चीज़ों की नौबत नहीं आएगी, लेकिन जो ये मीडिया है वो इतनी बढ़ा चढ़ा के खबर दिन भर कोरोना 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 दिखा रहा, लोगों के हालत पतली हो जा रही है ना, लोगों को सोच सोच के मरे जा रहे हैं कि अगर हो गया तो ये परिणाम होगा ये होगा, और ऊपर से इतनी ज़्यादा अफवाह हो गई है कोरोना को लेकर कि 5G की टेस्टिंग की वजह से हो रही मृत्यु दर मृत्यु हो रही है, ये हो रहा है फलाना ढिमकाना, है ना, अलग अलग लॉजिक सब दे रहे हैं बिना जाने समझे। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग अपने घरों में ही रहें, माहौल कुछ भी हो कैसा भी हो, क्या कारण है मौत का उससे मतलब नहीं है, हाँ पता लगाने की आवश्यकता है, लेकिन अभी माहौल शांत होने दीजिए। कोरोना का जो केसेस है, कोरोना का जो माहौल है, एक बार डाउन हुए उसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग सोचेंगे। फिलहाल राहत की बात तो ये है कि हमें अपने घरों में रहना है और कोरोना की जो केसेस हैं वो उसमें बहुत सारे लोग ठीक होकर आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पर सरकार जो है लापरवाही बरत रही है, बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रही है, इतनी निकम्मी सरकार मैंने आज तक नहीं देखा। लोग कहते हैं कि कांग्रेस के समय में क्या हुआ, तो वो कांग्रेस के समय में जो हुआ वो हुआ अलग बात है, लेकिन वर्तमान की सरकार के समय में जो हो रहा वो मेन मायने रखता है ना। तो वर्तमान में जो सरकार है वो अगर कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है, अस्पतालों में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन और बेड्स, यहाँ तक कि है ना हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं बेड और ऑक्सीजन की कमी है, बेड नहीं है, ये नहीं है, फलाना ढिमकाना, तो सोचिए कितनी स्थिति ख़राब है ना। तो सोच के ही डर लगता है, इसीलिए आप लोग अपने घरों में ही रहेंगे तो बेहतर रहेगा। और यहाँ पर मोदी और योगी और बाकी सरकारों से भी मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें अपने राज्य की व्यवस्था पर ध्यान देनी होगी, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश कहीं का नहीं रहेगा, राज्य कहीं का नहीं रहेगा, सब बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ही होगा। खैर ये सब तो होता रहेगा और सरकार को ध्यान देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर अब नहीं सुन ले तो बड़ा भयंकर परिणाम आने वाला है। आज के सेशन को शुरू करते हैं, आज का सेशन है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या खास है। तो ये जो सामने आपके फिगर बना हुआ है ये मध्य प्रदेश का चित्र है, ठीक है, ये चित्र है यानी मैप है मध्य प्रदेश का, इसके बारे में आगे समझेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर देख सकते हैं हमारे भारत का ये जो देखिए ये प्रदेश है, इकलौता प्रदेश है ना। अब इस प्रदेश का स्थान हमारे भारत में कहाँ है, ये यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, हमारे भारत से है ये, भारत में ये आप लोग देख सकते हैं राज्य कितने राज्य साझा, राजस्थान हो गया इधर है ना, गुजरात हो गया, और ये उत्तर प्रदेश से साझा करता है छत्तीसगढ़ से, और ये महाराष्ट्र से, इतने प्रदेशों से भी अपना बॉर्डर साझा करता है। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है।
और ये मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के क्या क्या मध्य प्रदेश में है ये सब चीजें समझेंगे, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, कोई प्रदेश हो, पहले के समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो महारानियां हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि सब लोग निकम्मे हुआ करते थे। उसमें बहुत सारे ऐसे महारानी थी, महाराज थे, जिनके कारण कुछ शहरों का नाम पड़ा, कुछ शहरों का विकास हुआ, कुछ शहर को हम लोग उनके नाम से जानते हैं। जैसे कि झांसी हो गया हमारे उत्तर प्रदेश में, तो झांसी की रानी जो थी, है ना, तो इस प्रकार की चीज़ें उनसे जुड़ा हुआ है। और इंदौर की अगर बात करें तो ये पहली बात तो ये कि जो मध्य प्रदेश है, इंदौर इसका एक खास, है ना, खास शहर माना जाता है, खास अंग माना जाता है। भोपाल तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल समझ सकते हैं, भोपाल राजधानी है और उसका भाग इंदौर है ना। इंदौर जो शहर है, यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर, गोल्ड महारानी, माफ कीजिए, गोंड महारानी, दुर्गावती एवं कमला देवी जैसी महान महिलाएं इसी इंदौर की इतिहास में नाम दर्ज है, ठीक है। और यहाँ की अगर प्रमुख फसलों की बात करें तो प्रमुख फसलें कौन कौन से हैं, गेहूं है, दलहन है, कपास है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, कपास है। ऐसे ही नकदी फसलों की अगर बात की जाए तो, एक मिनट यहाँ पर, हाँ, नकदी फसलों की अगर बात करें तो गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, अफीम हो गया, सन हो गया, अलसी हो गया तथा सोयाबीन हो गया, है ना। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये मुख्य फसलें हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। अगर वही बात करें यहाँ पर खनिज के मामले में, यहाँ पर क्या क्या खनिज उत्पादनता होती है, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, लौह अयस्क, मैग्नीज, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे अयस्क, तांबा हो गया, टिन हो गया, चीनी मिट्टी होगी, ये सब प्रमुख खनिजे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, खनिज पदार्थ का है ना, खनिज उत्पादन, यानी यहाँ से इन सब चीज़ों को निकाला जाता है, यहाँ से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होती है। अगर बात करें यहाँ पर नदियों का, तो नर्मदा, चंबल, काली, ठीक है, काली नदी, सिंध, ताप्ती, छिप्रा, बेनवा, ठीक है, बेतवा भी है, और बनास है, सोन है, केन है, ठीक है, इस प्रकार की नदियाँ हैं। और यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, अब इसके आंकड़ों की बात करें तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ, भारत देश, ठीक है, 1947 में, तो उस समय तो वैसे ही चल रहा था, आंध्र प्रदेश था और कई राज्य थे, लेकिन कागजाती रूप में अगर बात की जाए, संविधान में उन्हें दर्जा दिया गया, कब दिया गया, ये चीज़ें समझने वाली। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भी 1 नवंबर 1956 को बना, उसका निर्माण हुआ। ऐसे मध्य प्रदेश भी है, तो मध्य प्रदेश का भी निर्माण 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा है, बारहसिंघा, ठीक है, जो हिरण का ही एक प्रजाति होता है, ठीक है। पक्षी की अगर बात करें तो एशियन पेराडाइस, यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है, एशियन पेराडाइस, जबकि भारत का, राज्य का अलग, भारत का अलग, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो वट वृक्ष, ठीक है, वट वृक्ष की महिलाएं पूजा भी करती हैं। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये राजस्थान के बाद इसी का नंबर आता है, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अगर वन की बात करें तो पूरे प्रदेश का 1/4 भाग वन से घिरा हुआ है। कहने का मतलब ये है, अगर 100 बीघा जमीन है तो 100 बीघा में 25 बीघा जंगल है, ठीक है, यानी वन का क्षेत्र है। यानी अगर हम बात करें पूरे देश में, पूरे भारत में, ये एक ऐसा इकलौता प्रदेश है जिसमें वन क्षेत्र ज़्यादा है, राज्य के मुकाबले यहाँ पर वन क्षेत्र ज़्यादा है, और ऐसा दूसरे राज्यों में इतना जंगल या वन नहीं है। वन की अगर, हाँ, तो ये मैंने बताया, राजधानी भोपाल है, और भोपाल इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019-2020, माफ कीजिए, 2020 में तो नहीं हुआ था, 2019 और 2018 में फर्स्ट
स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला था, ठीक है। और अगर इस राज्य की दशकीय वृद्धि देखा जाए, यानी जनसंख्या का वृद्धि देखा जाए, तो कितना वृद्धि हुआ है यहाँ पर समझेंगे, 2001 में, ठीक है, 2001 में अगर 100% रहा था, तो और 2011 में कितना परसेंट है यहाँ पर देख सकते हैं, 20.30% वृद्धि हुई है। यानी अगर 2001 में मध्य प्रदेश में 100 लोग थे, ठीक है, तो वर्तमान में 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि अब तो नया रिपोर्ट आना चाहिए, लेकिन कोरोना काल की वजह से नया रिपोर्ट नहीं आया, क्योंकि जो जनगणना होनी थी 2020 में होकर 2021 में रिपोर्ट आनी चाहिए थी, तो 2020 में जनगणना हो ही नहीं पाई, है ना, कोरोना काल चल रहा था। अब 2021 में होना चाहिए था, तो अब इसमें भी ऐसे इसका नज़र लग गया कोरोना का, तो इसीलिए अगले हो सकता हो अगले साल इसका आंकड़ा पेश किया जाए, ठीक है, अगले साल इसका आंकड़ा आ जाए। तो इसका जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो कितना है, 20.30%। यानी कहने का मतलब, अगर 2001 में जनसंख्या थी 100 और 2011 में कितनी हो गई, 120, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें, यानी 1/5 बढ़ रहा है 10 सालों में, ठीक है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, यानी देखिए जो एक राज्य होता है, हर जगह तो इंसान नहीं होती, कहीं खेत हो गया, कहीं नाली हो गया, कहीं नदी हो गया, तो इन सब कुछ ये सब भी तो जो राज्य है उसके क्षेत्रफल में आती हैं। अब वहाँ पर अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, तो जनसंख्या घनत्व जो है 240 मान सकते हैं, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में लोग आते हैं, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर में 200, है ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में 236 लोग विराजमान होते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, अगर गांव है तो गांव में तो 236 लोग वैसे ही हो जाएंगे, तो यहां पर जो एवरेज माना गया है, जो खेत खलिहान है, नदी नाले पोखरे तालाब है, उनको भी एक, है ना, माना गया क्षेत्रफल, तो उनका एवरेज ये है, ठीक है। अगर बात करें लिंगानुपात का 2011 के अनुसार, यानी 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं, तो 1000 पुरुषों पे 931 लड़कियां हैं, है ना, तो सोच सकते हैं पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा है, स्त्रियों की कम है, तो इतनी कम होने की वजह से, है ना, ये समझ सकते हैं आप लोग, तो इसीलिए कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियों के लिए सुरक्षा ही नहीं, सुरक्षा का इंतज़ाम ही नहीं होगा, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था ही नहीं होगी, तो फिर, है ना, लोग ये चीज़ें बेटियों को बोझ समझते हैं। हालांकि मैं तो कहूँगा कि बेटियाँ बोझ नहीं होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं, वो हैं तो कल है ना, और कल अगर नहीं होगा तो फिर समझ लीजिए पृथ्वी नहीं होगा। अगर बात करें हम लोग साक्षरता दर की 2011 के अनुसार, तो पूरे जनसंख्या में 69 कह सकते हैं, 70, है ना, 70% लोग पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षित हैं, बाकी 30% लोग अशिक्षित। तो ये जो 30% है, इन्हें भी शिक्षित करने की पूरी तैयारी थी मध्य प्रदेश सरकार की, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें फ्री की शिक्षा तो दी जा रही थी, लेकिन वो उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, उनके लिए एक कम्युनिटी बनी थी उन्हें शिक्षा देने के लिए, जो अशिक्षित व्यक्ति थे, जैसे 45 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित हैं, तो उनको शिक्षा देने का मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा पहल किया था, लेकिन, है ना, ये सब पहल कागजी किताबों में ही छपे होते हैं, रियल में धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर बात करें प्रमुख भाषा का, तो हिंदी ही बोला जाता है, सभी लोगों को पता है हिंदी बोला जाता है, ठीक है, 1 मिनट। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके जो पड़ोसी राज्य, मैंने बताया ना कि उन कौन से, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़, यानी ये 4 प्रदेश, है ना, 5 प्रदेश हमारे मध्य प्रदेश से सटे हुए, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया कुछ और, अब आगे बात करें इसका उच्च न्यायालय का, तो इसका उच्च न्यायालय आप लोग जानते ही हैं, जबल हाई कोर्ट। जबल हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है, उसका हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है, ठीक है।
तो इसका न्यायपीठ भाग खंड जो है वो ग्वालियर और इंदौर में भी है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट का खंड जो है एक तो वाराणसी में है और एक लखनऊ में। ठीक है, आगे अगर बात करें हम लोग यहाँ पर जिलों की संख्या, यानी मध्य प्रदेश में जो जिले हैं वो वर्तमान में 51 जिले हैं। ठीक है, रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन वैसे 51 है, तो 51 से अधिक रेलवे स्टेशन होंगे, लेकिन प्रमुखतः जो रेलवे स्टेशन है, भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, इटारसी हो गया, जबलपुर, कटनी, रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, तो ये सब जो हैं ये प्रमुख रेलवे स्टेशन है। और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, शिव जी का मंदिर है। अगर बात करें प्रमुख हवाई अड्डों का तो ग्वालियर, गुना, देवी, अहिल्या बाई हवाई अड्डा, ये सभी बहुत है ना प्रमुख है। हालांकि इसके अलावा भी एयरपोर्ट होंगे, लेकिन जो प्रमुख हैं उनको इसमें दर्शाया गया। प्रमुख अगर बात करें शहर का, तो वहाँ का प्रमुख शहर जो है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन। किसी भी टीवी शो में या फिर फिल्म में आप देखेंगे इन शहरों का जिक्र ज़रूर रहता है। अगर एमपी पर फिल्म बनी है तो, मध्य प्रदेश पर फिल्म बनी है तो इन शहरों का नाम रहता है। ठीक है, अब वहीं अगर बात करें हम लोग प्रमुख पर्व का, ठीक है, प्रमुख पर्व का यहाँ पर कौन कौन से पर्व होते हैं प्रमुख। हर राज्य में या हर देश में कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की त्यौहार होते हैं, लेकिन उन त्यौहारों में भी कुछ प्रमुख त्यौहार होते हैं ना। अब जैसे हमारे देहात में अगर देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो दिवाली, होली, ये सब चीज़ें प्रमुख हैं। ठीक है, लेकिन अब गांव के बेसिस पे देखा जाए तो गांव के बेस में नवा हो गया, तो पता नहीं कौन का दुका दुका है ना, ये सब चीज़ें होती हैं गाँव में, अलग अलग चीज़ें। तो आज ये बड़ा है, ये करा है, ये नवा है, ये पुराना है, अजीब तरीके की है ना, बुढ़वा विदा होंगे, बुढ़िया विदा होंगी, पित्त विसर्जन, ये सब चीज़ें गांव में त्यौहार के रूप में मनाते हैं। लेकिन प्रमुखतः तो होली दिवाली है ना, है ना, इस प्रकार की चीज़ें। तो ऐसे मध्य प्रदेश में जो प्रमुख पर्व है वो बाबा गरीबनाथ, माफ़ कीजिएगा, हाँ आपने सही सुना, बाबा गरीबनाथ। तो ये त्यौहार है या पर्व है, बाबा गरीबनाथ के नाम पर लोग मनाते हैं। नागेश्वरी देवी त्यौहार कुछ मनाते हैं, धमोनी ओर्ष, भगोरिया, शिवरात्रि, रामनवमी, दिवाली, होली तो है ही, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ के प्रमुख पर्व हैं। प्रमुख पर्वत की बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से पर्वत हैं, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, मैकाल पर्वत, महादेव पर्वत, ये सब जो पर्वतमाला है ये मध्य प्रदेश में, क्लियर है। अब देख लेते हैं ये मध्य प्रदेश जो है उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक आता है। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है जो आपको दिख रहा है, तो ये इसका अक्षांश और देशांतर कितना है इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो इसका दो जो देशांतर है अच्छा से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 21 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26, ठीक है, 21 26 के बीच में, समझ में आ रहा है, यानी पांच कह सकते हैं पांच अक्षांश का अंतर है, यानी 21 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 अंश 54 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, और ये क्या है, ये अक्षांश है। और यहाँ पर देशांतर की बात करें तो 74 से लेकर 82 अंश 47 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, यहाँ पर पंचमढ़ी, भेड़ाघाट, धुआंधार जलप्रपात, ग्वालियर, मांडू, दतिया, चंदेरी, सांची, विदिशा, ठीक है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जो 200 के नोट पे बना रहता ना, अगर पूछ लिए पेपर में 200 के नोट पे किसका सिंबल बना रहता है तो सांची स्तूप का, ठीक है, कहाँ से, मध्य प्रदेश से। ऐसे ही बहुत चीज़ें हो गई, जैसे अगर हम रानी का बाब हो गया, 100 के नोट पे रानी का बाब बना रहता है तो ये कहाँ है, गुजरात का है ना। हम्पी 50 के नोट पे बना रहता है तो ये उड़ीसा का, ऐसी चीज़ें। कोलार का मंदिर 10 के नोट पे बना रहता है तो कोलार का सूर्य मंदिर, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। 2000 के नोट पे मंगलयान बना रहता है, और 500 के नोट पे क्या बनी रहती है बच्चों,
उस पर लाल किला बना रहा, लाल किला दिल्ली में है सभी जानते हैं। विदिशा, उदयगिरी, भीमबेटका, भीमबेटका पैलेस भी है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये पूछ ले भीमबेटका पैलेस कहाँ है तो मध्य प्रदेश, इंदौर, महेश्वर, ठीक है। और ऐसे ये सब क्या है, पर्यटक स्थल है, भोजपुर हो गया, चौसठ हो गया, योगनी हो गया, खजुराहो हो गया, ये सब पर्यटक स्थल है, यहाँ पर सैलानी लोग घूमने आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें प्रमुख विश्वविद्यालय का तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये क्या है, ये ठीक है, ये सागर जिले में बसा हुआ, ठीक है, मतलब बनाया गया, बसा नहीं कह सकते हैं, बनाया, निर्माण हुआ है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये जबलपुर में है, और बारकत उल्ला विश्वविद्यालय इंदौर में है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है, मध्य प्रदेश महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना जिले में है। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान बाधवागढ़ उमरिया में है, कान्हा किसली मांडला में है, माधव शिवपुरी में, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ भी इस सेशन में गड़बड़ी रह गई तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ रह गया आपको जो जानना चाहिए था तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा अगले सेशन में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, और अगर जाते भी हैं इमरजेंसी में तो पूरी सुरक्षा के साथ जाएं। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।